कैसे हैं बच्चों? चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स 11 चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। ये मेरा आज लेक्चर 4 होगा, ठीक है। लेक्चर 4 में जैसे मैंने कहा कि भाई जो लेक्चर 3 था, लेक्चर 3 में हमने एरर के बारे में डिस्कशन किया कि भाई एरर क्या होती है। एरर टेक्निकली द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। डिफरेंस यानी जो बड़ा होगा बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। या ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस क्या कहलाता है, ये टेक्निकली इट इज कॉल्ड एन एरर। बच्चों मैंने कहा एरर दो टाइप की होती है। जैसे एरर, व्हाट इज एरर? एरर का मतलब क्या था बेटा? ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, इसका डिफरेंस लेना है किसके साथ? मेजर्ड वैल्यू या ऑब्जर्व्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, जो ट्रू वैल्यू है फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है, और उसकी मेजर्ड वैल्यू, उनका डिफरेंस इज कॉल्ड एन एरर। नाउ एरर मैंने दो टाइप का आपको बताया कि भाई एक तो हो गया रैंडम एरर। रैंडम एरर बच्चों, रैंडम एरर वो एरर है, इट इज दैट एरर, ठीक है, जिसका रीजन कॉज पता नहीं है। इसका रीजन या कॉज पता नहीं है, मालूम नहीं है क्या रीजन है। रैंडम एरर आया क्यों ये नहीं पता, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही ढंग से परफॉर्म किया गया है लेकिन जो रीडिंग है वो जो वैल्यू आ रही है एरर आ रहा है इसमें, ठीक है। ये रैंडम एरर जिसका रीजन या कॉज नहीं मालूम है। दूसरा मैंने कहा आपसे सिस्टेमैटिक एरर। सिस्टेमैटिक एरर, जो सिस्टेमैटिक एरर है इसका रीजन नोन है। रीजन क्या है बच्चों? इसका नोन रीजन है। यहां पर ये अननोन है, ठीक है। कल मैंने नेक्स्ट पिछले लेक्चर पे मैंने आपको ये बताया था कि भाई जो सिस्टमैटिक एरर है उसका रीजन नोन है, इसलिए इसको हम मिनिमाइज क्या कर सकते हैं, यानी एलिमिनेट कर सकते हैं। कैन बी एलिमिनेटेड, इसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूं। इसका रीजन नहीं पता है लेकिन इसको मैं क्या कर सकता हूं, कैन बी मिनिमाइज्ड, क्या कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। मैंने बताया अभी तक कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, बाय टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बाय टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, किसी क्वांटिटी में रैंडम एरर आ रहा है मेजरमेंट में तो उसके रिपीटेशन बढ़ा दीजिए, उसके कई सारे एक्सपेरिमेंट में रिपीट करिए, एक्सपेरिमेंट कई बार करिए, ठीक है, 20 बार, 25 बार, 50 बार, जितना रिपीटेशन बढ़ाएंगे रैंडम एरर उतना ही कम होता चला जाएगा। इट्स अ वे टू मिनिमाइज द रैंडम एरर, बट इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, क्योंकि रीजन नहीं मालूम है तो कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, इसको हम एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब सिस्टमैटिक एरर में हम बात करें कि भाई इसका रीजन मालूम है तो कौन कौन सी सिस्टमैटिक एरर हो सकती है, ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। नंबर 1, पर्सनल एरर। भाई जो पर्सनल एरर है, कल भी मैं आपको बता रहा था पिछले लेक्चर के अंदर, जो पर्सनल एरर है जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जैसे स्पेक्ट्रम ने यूज नहीं किया, यानी नो स्पेक्ट्स, हमने स्पेक्ट्स यूज नहीं किए हैं, इसका मतलब एरर आने के चांस में मालूम है कि भाई ये एरर होगी, हमने स्पेक्ट यूज नहीं किए। मैंने लेंथ का मेजरमेंट किया, ब्रेथ का मेजरमेंट किया या टाइम का मेजरमेंट कर रहा हूं तो वो मेजरमेंट मुझे सही एक्यूरेट पता नहीं चल रहा है, मैं अंदाजे से लिख रहा हूं, मेरे पास अगर स्पेक्ट्स नहीं है तो ये पर्सनल एरर हो गया, स्पेक्ट्स नहीं है, ठीक है। दूसरा केयरलेसनेस, भाई हम केयरलेसनेस, जैसे जो मेजरमेंट का तरीका है, जैसे मुझे कोई लेंथ नापनी है, जब हम लेंथ नापते हैं बच्चों एक्यूरेट लेंथ के लिए हमारी आईज, ठीक है, स्केल पर वर्टिकल होना चाहिए। कैसी होना चाहिए स्केल पर? बिल्कुल वर्टिकल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मेरा तरीका गलत हो गया,
मैंने इसको ऐसे रख के इस तरीके से जानबूझ के ऐसे नाप रहा हूँ, लेंथ जरा की आड़ा टेढ़ा होके नाप रहा हूँ, तो मेजरमेंट तो गलत हुआ आई गई है ना। तो केयरलेसनेस, या बातें करने खड़े हो गए, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पेंडुलम में चल रहे हैं, 20-20 काउंट करने थे, 20 से ज्यादा गाड़ी निकल गई, 25-26 हो गए, हाँ मालूम भी आपको, हाँ ठीक है ठीक है, केयरलेसनेस, ठीक है। तो ये केयरलेसनेस हो गया, नो स्पेक्स, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ये किसमें आ जाती है, पर्सनल एरर में आ जाती है। नेक्स्ट, इम्प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, या जो इम्परफेक्शन है किसमें, एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर, या इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है उसको मैं, या प्रोसीजर जो एक्सपेरिमेंट का वो मैं गलत तरीके से कर रहा हूं, प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अगर प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्जी से स्टेपिंग कर रहे हैं, कोई स्टेप छोड़ दिया, स्किप कर दिया, ठीक है, तो अगर इम्प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल मेथड होंगे तो हमारी रीडिंग गड़बड़ हो जाएगी, उसमें एरर के चांसेस होंगे। ये सब रीजन मालूम है, पर्सनल एरर रीजन मालूम है, इम्प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल मेथड रीजन मालूम है हमें, ठीक है। हम मान लो सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट ऐसी जगह कर रहे हैं जहां बहुत तेज हवा है, पंखा बहुत तेज चला रखा है आपने, बहुत तेजी से फैन चल रहा है लेबोरेटरी में, तो बेटा वहां पर अगर आप जब लेबोरेटरी के अंदर पंखा तेज करते हैं, अगर आपने एक्सपेरिमेंट करा होगा सिंपल पेंडुलम का, जो बॉब होता है, हैवी मेटलिक बॉल जो थ्रेड से बनी होती है जिससे हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, वो अब स्पिन करने लगेगा, जैसे ही स्पिन करेगा, ठीक है, या एंगुलर उसके मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, तो बस समझ लीजिए आपकी रीडिंग गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सब क्या, इम्प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल मेथड होते हैं, यानी पर्सनल एरर, ये भी सिस्टमैटिक में सिस्टमैटिक एरर के अंदर आ जाता है, इम्प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये भी हम सिस्टमैटिक एरर के अंदर देख लेते हैं, ठीक है। हम पर्सनल इस तरीके से इम्प्रॉपर एक्सपेरिमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें, तीसरा पॉइंट कि भाई जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सही नहीं है, ठीक है, खराब इंस्ट्रूमेंट, यानी अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, गुड क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट नहीं है, नो गुड क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट, यानी हम जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं स्केल भी टूटे टाटे यूज कर रहे हैं, ठीक है, स्टॉप जो क्लॉक है वो भी इसी तरीके की है, आप उसको बार बार स्टार्ट करते हैं नहीं हो पा रहा है ढंग से, ठीक है। कैलोरी मीटर भी आप, अगर आप थर्मोडायनेमिक्स के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कैलोरी मीटर भी बढ़िया नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है, अगर गुड क्वालिटी के इक्विपमेंट्स नहीं है तो ये भी आपकी सिस्टमैटिक एरर प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पे इन जनरल बता सकते हैं कि भाई जिन एरर के रीजन पता है वो कैसी है, रैंडम एरर है, जिनके रीजन नहीं पता है वो कैसी है, सिस्टमैटिक एरर होती है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि भाई जो एरर है किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान मेजर्ड वैल्यू करने में कुछ एरर आ गई, ठीक है, उस एरर को हम कैलकुलेट कैसे करें, ठीक है। एक हमने एक्सपेरिमेंट किया, जैसे मान लो मैं निकाल रहा हूं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, तो उसके तमाम एक्सपेरिमेंट किए मैंने, कई बार एक्सपेरिमेंट किए, ऑब्जर्वेशन लिए और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट किया, ठीक है। अब उसके अंदर कितनी एरर हो गई, कितनी एरर मैंने की है, तो ये हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक हम उसी को डील करते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट के दौरान, ठीक है, कितना एरर कर रहे हैं, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होता है, उसको समझते हैं। इसके लिए बच्चों हम कुछ प्राइमरी टर्म्स यूज करेंगे मैं साथ में क्वेश्चन में उसको अप्लाई करता चला जाऊंगा। जैसे बच्चों मैंने क्या किया, एक ग्लास स्लैब को लेकर वी आर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब। क्या कर रहे हैं, टू फाइंड द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है।
तो इसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिया, एक्सपेरिमेंट किए, उसमें ऑब्जर्वेशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया पहले ग्लास स्लैब का 1.49, एक में 1.48, ठीक है, एक में 1.51 या 52, 1.5 इसे 1 कर लीजिए, इसे 2 कर लीजिए, ठीक है, एंड 1.5, ये मेरे पास ये 1.50, ये मैंने 5 ऑब्जर्वेशन लिए, मैं कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब, उस एक्सपेरिमेंट के दौरान मेरे ये रिजल्ट आए कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, ठीक है। अब इसमें हम एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले बच्चों यहां मैंने कहा कुछ एरर कैलकुलेशन के लिए कुछ बेसिक टर्म्स की जरूरत पड़ती है, बेसिक टर्म्स, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ट्रू वैल्यू, या तो किसी एक्सपेरिमेंट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को दे दिया जाए कि ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ट्रू वैल्यू इतनी है या एक्चुअल वैल्यू इतनी है। अगर गिवन नहीं है तो सबसे पहले हम ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं, ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब यहां पर जैसे इस केस में ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन, तो हम ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे कि भाई इनका एवरेज ले लेंगे, इनको ट्रू वैल्यू, इनका जो एवरेज होगा इट इज कंसीडर्ड एज ट्रू और एक्चुअल वैल्यू। तो 1.50 प्लस 1.49 प्लस 1.48 प्लस 1.51 प्लस 1.52, ये मैंने क्या किया, इसका एवरेज लेना है, एड अप करके नंबर ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, देयर आर 5 नंबर क्वांटिटीज, 5 क्वांटिटी है, तो सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, 5 का डिवाइड कर दिया, ठीक है। इधर यहां पे ऐड करके देख लेते हैं, 1.50, 1.49, 1.48, 1.51, 1.52, अब बेटा यहां पे 9, 8, 17, ये 18 हो गया, 18 और ये 22 यहां पर आ गया, 7 ये हो गया, 15 ये हो गया, एंड 15, 10, 25, 2 यहां पर हो गया, ये 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 और 2 ये, तो 7.50। अब 7.50 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, तो बेटा यहां पे 1.50 ये मेरे पास आ गया ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू पहला स्टेप क्या है, ट्रू वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सबको अगर ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन तो पहले सबको ऐड कर दीजिए और नंबर ऑफ क्वांटिटीज का डिवाइड कर दीजिए, तो एक तरीके से जो एवरेज वैल्यू होगी, यानी ट्रू वैल्यू यहां पर क्या हो गई, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं, मेजर्ड वैल्यूज हैं, इनका मीन निकाल लिया, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यूज, बच्चों जो मेजर्ड वैल्यूज हैं उनका मैंने मीन निकाल लिया, ठीक है। नाउ अब चाहूं तो मैं इसको जनरलाइज भी कर सकता हूं, इस चीज को जनरलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई पहली रीडिंग मेरे पास क्या थी, A1 थी, ये A2 थी, ये A3 थी, एंड सो ऑन। तो अगर मैं जनरलाइज करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं A, एवरेज वैल्यू A बार, क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस A2 अप टू AN डिवाइडेड बाय M, N तो अभी यहां 5 है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज, देयर आर ओनली 5 क्वांटिटीज। अगर मैं इसको जनरलाइज लिखता हूं कि भाई इन एन एक्सपेरिमेंट वी हैव ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विच आर एज फॉलोज A1, A2, A3 अप टू AN एंड ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन इन द एक्सपेरिमेंट और इन द क्वेश्चन, तो फॉर ट्रू वैल्यू आई विल टेक द एवरेज ऑफ दीज ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड वैल्यूज, ठीक है। नाउ सेकंड टर्म बेटा हम यहां पर रखते हैं एब्सोल्यूट एरर, क्या रखते हैं, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर बच्चों ध्यान रखिएगा, जो एब्सोल्यूट एरर होती है, एब्सोल्यूट एरर ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड या मेजर्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड या मेजर्ड वैल्यू, ये लिखते चलते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर
भाई जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.5, ये है 1.50। अब मेजर्ड वैल्यू बारी बारी से रखते हैं तो हमारे पास कितनी एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट हो जाएंगी, 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 कैलकुलेट हो जाएंगी, 5 ऑब्जर्वेशन तो 5 कैलकुलेट होंगी। तो पहली एब्सोल्यूट एरर किस में, A1 मेजरमेंट में, तो आई कैन राइट इट डेल्टा A1, 1.5 माइनस वैल्यू इज 1.5, इट इज 0। इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एब्सोल्यूट एरर इज 0। Now, in second observation, in this way we can subtract absolute error in second observation, 1.50 minus 1.49. बेटा इसको माइनस कर दिया, माइनस करेंगे तो 0.01। सिमिलरली डेल्टा A3, अगेन 1.50 माइनस, बेटा थर्ड ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व वैल्यू 1.48 एंड सब्ट्रैक्शन इज 0.02। ठीक है, ऐसी अब यहां लेते हैं, अब इसको ले लेते हैं, यहां पर यहां लिखे दे रहे हैं इसमें A4, डेल्टा A4, तो 1.50 माइनस 1.51। ठीक है, अब ये क्या आ गया, माइनस 0.01। एंड लास्टली A5, यानी एब्सोल्यूट एरर इन फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, अगेन ट्रू वैल्यू 1.50 माइनस फिफ्थ ऑब्जर्व्ड वैल्यू 1.52, इट इज माइनस 0.02। ये आ गया। तो एरर तो बच्चों यहां पे ध्यान रखिए प्लस माइनस हो सकती है, प्लस माइनस एक्चुअल वैल्यू से ऊपर जा रही है, प्लस उससे कम आ रही है तो माइनस होती है। अब मैं यहां पर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालू, ठीक है, ये तो प्लस माइनस हो सकती है, जब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं वहां सभी के साइन हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि एरर हुई है, तो एरर तो बेटा ऐसा नहीं है कि एरर माइनस होने से घट जाएगी, तब तो बड़े अच्छे ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे, एक्यूरेसी के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब मीन एब्सोल्यूट एरर लेने के लिए हम क्या करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, अब जितनी मैंने यहां पर एब्सोल्यूट एरर थी 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर जो थी इनको एडअप कर लिया इनकी पॉजिटिव वैल्यू लेकर और नंबर ऑफ क्वांटिटी यानी 5 का डिवाइड कर दिया, तो मीन एब्सोल्यूट एरर, अगर मैं इसको ऐसे लिखू मीन एब्सोल्यूट एरर को कि भाई एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए लिख रहा हूं जनरलाइज मीन करके, मैं इस पर बार लगा सकता हूं डेल्टा ए बार। ठीक है, अब वहां पॉजिटिव वैल्यू ही आपको लेनी है, डेल्टा यानी पहला क्या आ गया, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A2, फिर डेल्टा A3, फिर डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5, ये आ गया और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज दैट इज 5। तो बेटा इसको रखते हैं हम यहां पर, पहला सभी पॉजिटिव वैल्यू लेते चलिए 0, ये कितना है 0, दूसरी वैल्यू कितनी है प्लस 0.01, फिर तीसरी 0.02, एंड फोर्थ वन 0.0, पॉजिटिव वैल्यू विल बी कंसीडर्ड, पॉजिटिव वैल्यू विल बी टेकन, माइनस की जगह क्या कर देंगे इन फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 0.2 डिवाइडेड बाय कितना, 5 से डिवाइड करना है बेटा, 5 से यहां पर डिवाइड करना है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया 0.04 ये हो गया और 0.02 ये हो गया, तो 0.06 डिवाइडेड बाय 5 ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। नाउ अब बेटा बस यहां पे डिवाइड कर देते हैं 0.05 से डिवाइड करें, 5 × 5 10 हो गया और 5 × 2 = 10, तो मीन एब्सोल्यूट एरर मेरे पास कितनी हो गई, मीन एब्सोल्यूट एरर इतनी आ गई, यानी इट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब बेटा यहां जब मेरे पास ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, ये ट्रू वैल्यू है, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई, तो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू डेल्टा ए बार में, डेल्टा ए का डिवीजन कर दें डेल्टा ए बार का, तो क्या आ जाएगा आपके पास, फ्रैक्शनल एरर आ जाएगी, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर। तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, चलिए यहां से कुछ टर्म यहां पे ऐसे क्लीन कर देते हैं। ठीक है, अब बेटा हमने बात की, अभी पहला हमने ट्रू वैल्यू लिख दी, दूसरा एब्सोल्यूट एरर लिख दी, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर ले लिया यहां पर, नाउ
थर्ड पॉइंट ले लेते हैं फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, अब फ्रैक्शनल एरर लेते हैं तो इसको सिंबलाइज में कैसे कर सकता हूं बच्चों, कि जो मीन एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय ए बार। अब जैसे इन द प्रेजेंट क्वेश्चन, ठीक है, डेल्टा ए बार कितना है मेरे पास 0.012 और ए बार कितना है हमारे पास, ए बार यानी ए बार जो मैंने निकाला था 1.5। ये आ गया तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास, फ्रैक्शनल एरर आ गया। अब अगर इसे मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूं तो परसेंट एरर, परसेंट एरर, जो परसेंट एरर हो गया क्या करें, फ्रैक्शनल एरर को ठीक है 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंट एरर आया। तो एरर परसेंटेज या परसेंट एरर, फ्रैक्शनल एरर इंटू 100, 0.012 1.5 इंटू 100, ठीक है। तो बेटा यहां पे इस तरीके से ये मेरे पास परसेंटेज एरर इस ऑब्जर्वेशन यानी इस एक्सपेरिमेंट के दौरान पता चल गई, ठीक है। तो ये तरीका होता है बच्चों, इस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं। तो सब जब हमें या तो अगर क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू गिवन दे रखी है तब बात अलग है, ट्रू वैल्यू का इस्तेमाल कर लिया जाएगा इसमें, तब ट्रू वैल्यू पहला स्टेप निकालने की जरूरत नहीं होगी। अगर बेटा ऐसे क्वेश्चन दे रखा है ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन का आप मीन ले लीजिए, जो मीन आएगा वही ट्रू वैल्यू की तरह काम करेगा। अब उससे जो ट्रू वैल्यू है हर ऑब्जर्वेशन या हर ऑब्जर्व वैल्यू का टेक डिफरेंस, इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। जब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं तो ऑल आर पॉजिटिव, ऑल शुड बी टेकन पॉजिटिव, ठीक है, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज का डिवाइड कर देते हैं, सम निकाल लेते हैं एब्सोल्यूट एरर का, सारी एब्सोल्यूट एरर को पॉजिटिव मान के उनके मॉड लेकर पॉजिटिव वैल्यूज लेकर नंबर ऑफ क्वांटिटीज का डिवाइड कर देते हैं, क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। जब मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया हमारे पास तो फ्रैक्शनल एरर निकाल सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय जो आपने ट्रू वैल्यू निकाली थी मीन एवरेज करके उसका डिवाइड कर दे, फ्रैक्शनल एरर हो गया। फ्रैक्शनल एरर को बेटा इफ यू वांट टू कन्वर्ट इन परसेंटेज और परसेंट एरर, सिंपली यू विल मल्टीप्लाई द फ्रैक्शनल एरर बाय 100। तो इस तरीके से बेटा हम यहां पर इसको करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि हम एरर को अगर दो क्वांटिटीज एडअप की जा रही है तो एरर का क्या होगा, दो क्वांटिटीज अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एरर का क्या होगा, अगर दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन है या डिवीजन है, ठीक है, तो एरर कैसे वहां पर कैलकुलेट की जाएगी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवीजन हो रहा है तो हम एरर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिजिकल क्वांटिटी में किसी पर पावर है तो उस टाइम एरर का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, इसको बेटा नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।